print a multiple copies of the one files. Hello viewers, today I am going to discuss the file tab. As you know, file tabs have multiple options normally used in Word. Just like if you want to create a new files, you want to save a files, you want to close a files, all these options are present in the file tabs. Let's discuss one by one. आपके पास different tabs आपको नजर आ रही होंगी. तो उसमें से सबसे first one है file tabs. Two ways से discuss कर सकते हैं. In with the help of shortcut key and with the help of you can say a mouse. के साथ आप बड़ा easily उसको access कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज माउस. तो माउस बड़ा इजी है, आप जस्ट आपने क्लिक करना है तो अल्टीमेटली आपके पास फाइल टैब्स की सब ऑप्शन जो है आपके पास अपीयर हो जाएंगी. लेकिन इफ यू वांट टू एक्सेस विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की, तो यू मस्ट प्रेस द ऑल्ट प्लस एफ. आफ्टर प्रेसिंग द पर्टिकुलर कीज यू कैन एक्सेस और यू कैन विजुअलाइज ऑल द सब ऑप्शन रिलेटेड टू द फाइल टैब्स. तो हम वन बाई वन जो है अब इनको डिस्कस करते हैं. हम सबसे पहले जो है उसको फाइल टैब पे क्लिक करते हैं. तो जैसे हमने फाइल टैब पे क्लिक किया तो अल्टीमेटली हमारे पास उसकी सब ऑप्शंस आ गई हैं. तो उसमें सबसे फर्स्ट वन है इन्फो. इन्फो में जैसे ही हमने क्लिक किया तो उसमें आगे फर्दर जो है वो आपके पास तीन ऑप्शंस जो है वो रिजाइड कर रही हैं. फर्स्ट वन इज प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट. तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक एज नेम डेजिग्नेट कि आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो किसी खास लॉकर में या किसी खास पासवर्ड में रखना चाहते हैं ताकि कोई भी एनीवन जो है आपकी फाइल को एक्सेस करके उसमें ऐड डिलीट वगैरह ना कर सके. क्लिक ओवर देयर. तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो इसके आगे फर्दर जो है ऑप्शंस अपीयर्स हो जाती हैं. तो हम लोग जस्ट लाइक क्लिक करने जा रहे हैं इनक्रिप्ट विद पासवर्ड. हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो आपसे पासवर्ड डिमांड कर रहा है. लेट्स हम इसमें पासवर्ड एंटर कर देते हैं और ओके क्लिक कर देते हैं. अगेन 1 2 3. नाउ योर पासवर्ड इज सिक्योर्ड एंड रिक्वायर्ड अ पासवर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट्स. तो आप लोग जब इसको दोबारा से ओपन करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको पासवर्ड उसको देना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी फ़ाइल ओपन नहीं हो सकती. जी व्यूअर्स, जैसे ही मैं फाइल टैब पे क्लिक करता हूँ तो फिर अगेन हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाती है विच इज न्यू. तो न्यू मीन्स कि आपने एक नई फाइल जो है वो क्रिएट करनी है. तो इसको भी एक्सेस करने के टू वे हैं. अगर आपने एक नई फाइल बनानी है तो आपने कंट्रोल प्लस एन को प्रेस कर लेना है. हैव अ लुक, आपके पास ये देखें डॉक्यूमेंट टू के नाम से फाइल जनरेट हो चुकी है. और या फिर आप लोग फाइल से जाएँ और न्यू पे जाकर क्लिक कर देंगे तो सेम आपके पास एक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा. सो इन दिस वे आप मल्टीपल फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाती है ओपन फाइल्स. तो अगेन आपने अगर डायरेक्टली आपने वहीं पर रहते हो यहाँ पर क्लिक करनी है, एक नई फाइल आपने जो पहले सेव की है उसको ओपन करना है, तो आप रादर देन कि आप फाइल को माउस को क्लिक करें फिर फाइल पे क्लिक करें फिर ओपन पे क्लिक करें, आप कंट्रोल प्लस ओ को प्रेस कर दें तो अल्टीमेटली आपके पास रिसेंट फाइल में आपकी फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी. अदरवाइज आप लोग कंप्यूटर पर जाएँ लेफ्ट साइड पर और वहाँ से ब्राउज कर लें आपकी जो डेस्टिनेशन है जहाँ पर आपकी फाइल कर रही है उसको सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक कर दें तो अल्टीमेटली आपकी वो फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी. नेक्स्ट हम लोग फाइल को एक्सेस कर सकते हैं जो आपके पास फाइल की टैब है. तो उसमें हमने जैसे ही फाइल पे क्लिक किया तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है सेव. सेव मींस कि आपने जाहिर है जब एक फाइल बनाई है, आपको प्रिपेयर किया, आपने टाइम स्पेंड किया है, आप उसको फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए नेक्स्ट टाइम उसको ऊपर काम करने के लिए आप यू मस्ट सेव. आप कंट्रोल प्लस एस, देखिए मेरे पास फाइल एग्जिस्ट कर रही है, मैं कंट्रोल प्लस एस प्रेस कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली मेरे पास जो है वो डिमांड कर रहा है कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं. आप डॉक्यूमेंट में सेव कर दें, उसके बाद आपके पास सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. यहाँ पर आपने अपनी फाइल का नेम दें और अल्टीमेटली जैसे ही आपको क्लिक करोगे आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाती है फाइल सेव एस. तो उसको एक्सेस अगर आपने करना है उसके लिए आप लोग फाइल और सेव एस पे आप लोग क्लिक करें तो सेव एस एक और ऑप्शन है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम फाइल को सेव कर लिया है तो नेक्स्ट टाइम आप जैसे ही कंट्रोल प्लस एस प्रेस करोगे तो अल्टीमेटली आपकी फाइल उसी डेस्टिनेशन पर सेव हो जाएगी. लेकिन इफ यू वॉन्ट टू मेक एन अदर कॉपी देन आपको उस फाइल को जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक आप लोग कॉपी नहीं जनरेट कर सकोगे. तो जैसे ही मैं लोग फाइल सेव एज पे क्लिक कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली मुझे वो ब्राउज कर रहा है तो वो पूछ रहा है आपने कहाँ पे करना है. अगेन मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ, यहाँ पर आप उसका अगेन जो है वो नेम डाल दें और उसको सेव कर दें. तो ये है आपके पास स्लाइड्स है डिफरेंस. अगर आपने शॉर्टकट की है तो आल्ट एफ और प्लस ए प्रेस करेंगे तो आपके पास सेव एज का डायलॉग जो है वो बॉक्स अपेयर हो जाएगा. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग यूजफुल वीडियोज.
एक्सपोर्ट फाइल्स। एक्सपोर्ट मीन्स आपने अगर इस फाइल की जो है वो एक पीडीएफ फाइल जनरेट करनी है, पीडीएफ स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, आपने अगर वो करना है तो आप यहाँ लोग यहाँ पर क्लिक करें, अल्टीमेटली वो आपसे लोकेशन मांगेगा, आप इसको क्लिक करोगे तो वो आप उसको कन्वर्ट कर देगा और इस तरीके से आपकी फाइल जो है वो वर्ड से जो है वो डॉक्यूमेंट में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं जी, फाइल टैब पे क्लिक करते हैं और जैसे ही फाइल टैब पे क्लिक किया, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो आती है प्रिंट। उसके लिए आप लोग जस्ट इसे क्लिक कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ माउस, अदर देन आप कंट्रोल प्लस पी को यूज करते हुए भी ये कमांड एक्सेसिबल होती है। अब जाहिर है आपने जब एक्सेस कर लिया है तो आपके पास फर्दर इसकी कुछ जो है वो स्लाइड सी चेंजेस हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज कि आपने जिस जो फाइल ओपन की हुई है उसकी कितनी कॉपीज जनरेट करनी है, 1 है 2 है 3 है। उसके बाद आपने कौन सा प्रिंटर यूज करना है, आपके पास डिफरेंट प्रिंटर अवेलेबल होंगे, जस्ट लाइक जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब देखें ये रेडी ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो मेरी इस फाइल की 3 कॉपीज जो है वो जनरेट हो जाएंगी। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं, ऑल पेजेस, अगर आपने कुछ पेजेस जो है वो डिफरेंट प्रिंट करने हैं या ऑल प्रिंट करने हैं तो ऑल हो जाएगा, आपने इवन प्रिंट करने हैं तो आप आउट पे क्लिक करेंगे, अगर इवन प्रिंट करने हैं तो इवन पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये सारी ऑप्शन जो है वो आपको प्रिंट करके दे दे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है, अब ये प्रिंटर जो है वो ड्यूल मोड नहीं है, ये सिंगल मोड है, तो ड्यूल मोड में ये होता है कि ऑटोमेटिकली दोनों साइडों पर प्रिंट हो जाते हैं, तो आपने मैनुअली बोथ प्रिंट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपको पहले एक प्रिंट करना पड़ेगा फिर उसकी बैक साइड पर जाकर प्रिंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कोलेटेड, कोलेटेड मींस कि व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिंट अ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द वन फाइल्स, तो अगर आप लोग इस पे लेट्स क्लिक करते हैं जी तो 1 2 3 जस्ट लाइक जैसे आप नजर आ रहा होगा, तो 1 2 3 मींस कि आपके पास पहली कॉपी की पहले सब पेज प्रिंट होंगे, फिर दूसरे प्रिंट पेज प्रिंट होंगे, फिर तीसरा प्रिंट होगा, तो इस तरीके से मल्टीपल कॉपीज़ हो जाएंगी। लेकिन अगर आप लोग अनकोलेटेड करोगे जस्ट लाइक जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आपके पास अगर सपोज 3 पेजेज हैं तो पहले 1 पेज की तो आपने 3 कॉपी जनरेट की हैं वो 3 ओपन होंगी, फिर सेकंड पेज की 3 कॉपी जनरेट होंगी, फिर थर्ड पेज की 3 कॉपी जो है वो जनरेट होंगी। दिस इज़ द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द कोलेटेड एंड अनकोलेटेड। उसके बाद आपके पास पेज की ओरिएंटेशन आ जाती है कि आप लोग जो है वो पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, मींस वर्टिकली या हॉरिजेंटली, अगर अपने वर्टिकली करना है तो आप लोग पोर्ट्रेट करें, अगर हॉरिजेंटली करना है तो आप लोग जो है वो लैंडस्केप को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपके पास मार्केट में डिफरेंट पेपर जो है वो साइज़ के अवेलेबल्स हैं, आप कौन सी साइज़ के पेपर प्रिंट करना चाहते हैं, आप लेटर पे करना है, लीगल पे करना है या अदर किसी फाइल पे क्लिक करना है, तो अगर आपने A4 करना है तो आप A4 सेलेक्ट करें, तो अब आपके पास सारी की सारी साइज़ की प्रिंटिंग जो है वो A4 पर अवेलेबल होगी। उसके बाद आपके पास पेपर का मार्जिन आ जाता है, तो नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि आपके टॉप पेपर के साइज़ कुछ एम्प्टी होता है, लेफ्ट और राइट के ऊपर भी इसी तरीके से अवेलेबल्स होती हैं ऑप्शन, ठीक है, तो आप लोग कुछ अवेलेबल्स भी हैं जस्ट लाइक ये देखें नैरो हो गया, आप अगेन अपने अकॉर्डिंगली जो है वो क्लिक कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद वाइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आप ये सेटिंग करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास ये सारी प्रिंटिंग अवेलेबल हो जाएगी। आप शेयर मींस इसमें कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं, जस्ट लाइक आप लोग इसी को ऑनलाइन अवेलेबल करना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग इसको ईमेल के थ्रू करना चाहते हैं, या आप लोग इस जो प्रेजेंटेशन है उसको एज सच ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हैं, या आप लोग चाहते हैं कि इस फाइल को मैं अन्य को जो ब्लॉग बनाया हुआ है उस ब्लॉग का मैं पार्ट बनाना चाहता हूँ, तो आप एडवांस ऑनलाइन जो है उसी वक्त आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मींस कि आपने इसको जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग जस्ट पीडीएफ पे कन्वर्ट करोगे, सेव एज पे क्लिक करोगे तो अल्टीमेटली आपसे वो उसका नेम डिमांड करेगा, पीडीएफ पे क्लिक करें तो वही फाइल आपकी पीडीएफ में जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपके पास एक है आपकी एप्लीकेशन जस्ट लाइक जैसे हमने वर्ड को ओपन किया, और एक है आपकी फाइल जो अभी हम जिसपे हमने काम किया हुआ है, आप लोग अपनी पूरी एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हैं या आप अपनी फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, जस्ट लाइक जैसे ये कीवर्ड स्टैट्स
के नाम की फाइल है, मैं अगर इसको क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं फाइल पे क्लिक करूंगा और क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए मेरी फाइल जो है वो क्लोज हो चुकी, लेकिन अगर मैं फाइल से गेट रेड करना चाहता हूँ तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मुझे आपकी स्क्रीन पर ये जो क्रॉस का बटन बना हुआ है इस पर मैं क्लिक करूँगा जस्ट लाइक, तो हमारे पास सारी फाइलें जो है वो क्लोज हो चुकी है। देखिए मैं वही फाइल ओपन कर रहा हूँ, जब तक मैं पासवर्ड नहीं दूंगा तब तक ओपन नहीं होगी। नेक्स्ट है सेकंड लॉस विच इज़ अकाउंट। अकाउंट इज मींस कि आपको ये आपकी आपके वर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये आपके कौन सा वर्जन है, कौन सी कंपनी का है, ये आपका एक्टिवेटेड है या इनएक्टिवेटेड है। उसके बाद आपके पास फाइल टैब में लास्ट ऑप्शन रह जाती है विच इज़ ऑप्शंस ऑप्शंस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास आपकी ऑफिस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट लाइक जनरल इन्फॉर्मेशन है, डिस्प्ले है, प्रूफिंग है, एडवांस है। एडवांस में आप लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी दिन आपको जो है वो एक्सप्लोर करके बताऊँगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग यूजफुल वीडियोज़। अगर आपको कोई भी ऑप्शन मुश्किल लगती है आप जस्ट मुझे जो है वो मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको हर मैसेज का जो आंसर प्रोवाइड करूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।